बाबूजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, और तुम भी मेरी बहू थोड़ी हो, मेरी कच्ची गली हो तुम तो। अरे आ गए आप। हाँ हाँ मैं तो आ गया। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, पापा जी का थोड़ा सा सर में दर्द और था तो वो ही दबाने आई थी। क्या हुआ बाबूजी आपको? कुछ नहीं, ठीक हूँ बेटा मैं, दुरुस्त हूँ। देखो ये देखो, खाने का क्या प्लान है? बस बनाती हूँ खाना। चलो ठीक है, आओ जल्दी। ठीक है आती हूँ, आप चलो। अरे आप? अरे तुम? हाँ क्या कर रही तुम? कुछ नहीं, बस मैंने कपड़े चेंज करे हैं। अच्छा कर लिए चेंज? ठीक है। बाबूजी आप क्या कर रहे थे अंदर? बेटा मैं तो पीछे बालकनी में गया था एक बार। ठीक है, इनका चल क्या रहा है पता लगाना पड़ेगा। हाँ बाबूजी। अरे बेटा आ गए तुम? ये लो, और तुमने साइन करने के लिए बोला था ना, ये लो कर दिए मैंने। साइन कर दिए? हाँ ये लो रख दो इसको अंदर। दरअसल ये कोई इंश्योरेंस के कागज नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी के कागज है। प्रॉपर्टी के? ये सारी प्रॉपर्टी आज से मेरे नाम हो चुकी है। मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो रखा है बेटा? दिमाग खराब हो रखा था, जो अब ठीक हो चुका है। तेरा दिमाग खराब हो रखा है लड़के। बस कीजिए। क्या हो रहा है ये सब? और तुम चुप करो, तुम्हारी शराफत का मुखौटा उतर चुका है। क्या बकवास करे जा रहे हैं तू? ये क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? ये बकवास मैं नहीं बाबूजी, बकवास तो तुम दोनों मिलके कर रहे थे। तुम मेरे पीठ पीछे दोनों के दोनों मिलके, छी शर्म आती है। बाबूजी समझाओ इन्हें कोई। अरे तुम मेरी पत्नी होने के बाद मेरे बाबूजी के साथ और तुम अपनी बहू के साथ? क्या क्या बकवास क्या बोल कह रहे हो तुम? ये तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? क्यों अब पता लगा कि जब खुद का पति किसी गैर औरत के साथ सोता है तो कैसा लगता है? मुझे भी यही सब फील होता था जो आज तुम्हें फील हो रहा है। तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना? सच्चाई पता है क्या है बाबूजी? हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। ये रोज दारू पी के आते हैं और बदतमीजी करते हैं, और मुझे पूरा डाउट है कि इनका बाहर कुछ अफेयर चल रहा है। अगर मैंने रोकती हूँ तो ऊपर से मेरे को गालियाँ वालियाँ देते हैं। मैंने आज तक आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको बुरा लगेगा। कुछ नहीं बेटा, देखते हैं इसको सबक सिखाते हैं, तुम चिंता मत करो। और तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही हमने ये सब कुछ किया था। लेकिन गीत कोई और तरीका भी तो अपना सकते थे तुम। शुक्र करो मेरा तो बाबूजी से कुछ नहीं है, और मैं तो इतने टाइम से बर्दाश्त कर रही थी कि तुम्हारा अफेयर बाहर चल रहा है। शायद आज तुम्हें समझ आ गया होगा। और बाबूजी आओ आप खाना खा लो, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे अब भी समय है, सुधर जा। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है, कौन सा मैं अपनी छाती पे रख के लेके जाऊंगा? ठीक है अपना घर बसा।